हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है आपकी वैनिटी में कौन सी फाउंडेशन है, आप कौन सी फाउंडेशन लगाते हो, आपको आपके फेवरेट ब्रांड्स कौन से हैं फाउंडेशन के जो आपको लगता है कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो, जिनको हम अपनी वैनिटी में भी रख सके, जिनको हम अपनी ब्राइडल मेकअप किट में भी रख सके, ऐसी फाउंडेशन के बारे में बताओ। तो आज मैं आपको अपनी टॉप 5 और 6 फाउंडेशन बताऊंगी जो कि मेरी पर्सनल वैनिटी में है और जो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। उनको आप ब्लाइंडली मेरे पर ट्रस्ट करके उन सभी फाउंडेशन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो अभी मैं आपको स्टार्ट करूंगी अपना फर्स्ट फेवरेट टू लास्ट फेवरेट फाउंडेशन को बताना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर द इंफॉर्मेटिव वीडियोस। लेट्स स्टार्ट इट। आजकल मेरी सबसे फेवरेट फाउंडेशन है ये डर्माको की फाउंडेशन। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं आपने देखा होगा मैं अपने मोस्टली सभी ट्यूटोरियल्स में, करंट ट्यूटोरियल्स में ये वाली फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। मुझे पीआर पैकेज आई थी, आई एम सेइंग इट ओपनली, मुझे पीआर पैकेज आई थी, बट द फाउंडेशन Too good। बहुत सारी ऐसी फाउंडेशन है जो बहुत ही कॉस्टली हैं बट ये उनका परफेक्ट ड्यूप है। आपको ये 800 और 750 और 800 में मिल जाएगी ये फाउंडेशन। अगर तो आपको कुछ मेरे टाइप की, मेरे फेवरेट टाइप की फाउंडेशन चाहिए तो यू कैन गो फॉर दिस डर्माको फाउंडेशन। एवरेज इज टू गुड। और आपको इसका कलर भी दिखाती हूँ, मेरा जो परफेक्ट शेड है इस फाउंडेशन में वो है 02 न्यूड। इस फाउंडेशन को मैं आपको शेड दिखा देती हूँ, यहाँ पर ये मेरा परफेक्ट शेड है। जिनका स्किन टोन मेरे जैसा है उनको अगर कोई फाउंडेशन चाहिए डर्माको में शेड चाहिए तो वो यूज़ करेंगे ये वाली फाउंडेशन 02 न्यूड। मैं यहाँ पे नीचे मेंशन भी कर दूंगी 02 न्यूड की फाउंडेशन आप लगाएंगे अगर आपका स्किन टोन मेरी तरह है। इस फाउंडेशन के बारे में बताऊँ, फुल कवरेज फाउंडेशन है, पिंपल्स भी हैं, सब कुछ उप जाता है इस फाउंडेशन से। पॉइंट है ये फाउंडेशन थोड़ी ड्यूई है, विंटर्स में वन ऑफ द बेस्टेस्ट फाउंडेशन अगर मैं बोलूँ तो ये डर्माको की फाउंडेशन है। फाउंडेशन में नायासिनेमाइड है, में है SPF, तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है तो इस फाउंडेशन को आप कभी स्किप नहीं करेंगे। इसमें नायासिनेमाइड और SPF भी है, तो मेरी फेवरेट फाउंडेशन, करंट फेवरेट फाउंडेशन है फर्स्ट नंबर पर डर्माको की। इसका शेड है 02 न्यूड। मेरी सेकंड फेवरेट फाउंडेशन आप सबको पता होगा, दैट इज मिलानी। मिलानी फाउंडेशन मेरी बहुत सालों से फेवरेट फाउंडेशन है बिकॉज जो ये कवरेज देती है, जो इसकी फिनिश है, जो इसकी लॉन्जिविटी है, इट्स बियॉन्ड एक्सपेक्टेड। अगर आपको कोई ऐसी फाउंडेशन चाहिए, अगर आपका बजट 1400 to 1500 के बीच में है तो अगर आपको कोई फाउंडेशन पे स्पेंड करना है तो आई मस्ट सजेस्ट यू टू गो फॉर दिस मिलानी फाउंडेशन। ये मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स और 2 ईयर्स से मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत पसंद हैं। इसका शेड है 04 मीडियम बेज। ये मेरे शेड से थोड़ा सा डार्क है बट मैं इसको लगा लेती हूँ, चल जाता है ये मेरे फेस पर। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है बट मैं इसको ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ। ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों शेड। मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन ये फर्स्ट है वैसे तो ये, बट जब से डर्माको आई है मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करनी स्टार्ट कर दिया है। बट अगर आपको स्पेंड करना है तो आप मिलानी की फाउंडेशन में ज़रूर स्पेंड कर सकते हैं। द शेड इज 04 मीडियम बेज। अगर मेरे जैसा शेड है 04 मीडियम बेज वुड वर्क फॉर यू। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड फाउंडेशन, फुल कवरेज फाउंडेशन, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने। थर्ड फाउंडेशन के बारे में बात करूं, दैट इज फ्रॉम फॉर एवर 52 की ये प्रो आर्टिस्ट फाउंडेशन इज ऑल्सो वेरी गुड फाउंडेशन। आपने देखा होगा बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट इसको ब्राइडल्स पर भी यूज कर सकते हैं। येस, दिस इज अ वेरी गुड फाउंडेशन। इसको आप ब्राइडल्स पर आराम से यूज कर सकते हैं। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, इसकी लॉन्जिविटी भी बहुत अच्छी है। इसका जो शेड है वो मेरा शेड नहीं है, मैं पहले ही आपको क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे पीआर पैकेज आया था। इस फाउंडेशन को मैं यूज़ करती हूँ किसी लाइटर फाउंडेशन में थोड़ा सा ऐड करके, बट मुझे इस फाउंडेशन की जो कंसिस्टेंसी है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसका भी आपको शेड दिखा देती हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ा सा डार्क है मेरे शेड से। अगर आपको आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पता लग रहा होगा, ये लाइट दिख रही है, ये डार्क है। इसको मैं मिक्स करके किसी भी लाइट फाउंडेशन में मिक्स कर यूज़ कर लेती हूँ, बट इसके रिजल्ट्स आर टू गुड। मैं इसको अपनी ब्राइडल अपने किसी भी क्लाइंट पर भी यूज़ कर सकती हूँ आराम से, ब्लाइंडली। इतनी अच्छी है ये वाली फॉर 52 की प्रो आर्टिस्ट फाउंडेशन। अगर आपको स्पेंड करना है 1200-1100 के बीच में अगर आपकी रेंज है तो आप इस फाउंडेशन पर ज़रूर स्पेंड कर सकते हैं, सो गुड फाउंडेशन। नेक्स्ट फाउंडेशन है वो मैं सजेस्ट करूंगी हर एक मेकअप आर्टिस्ट के पास होनी चाहिए, एले गर्ल। एले गर्ल की फाउंडेशन मैं ये कहूँगी
ये बहुत देर चलेगी आपकी फाउंडेशन, इतनी फुल कवरेज फाउंडेशन है। और ये फाउंडेशन ग्रे नहीं पड़ती जल्दी, अगर आपका आपको ज्यादा मेकअप नहीं ना करना आता, फिर भी अगर आप इस फाउंडेशन को थोड़े से अच्छे स्टेप से करके लगा लोगे ना, ये फाउंडेशन कभी ग्रे भी नहीं पड़ेगी। इतनी अच्छी फाउंडेशन है एलेगल की फाउंडेशन। इसका शेड है मेरे पास थोड़ा सा लाइट, इसमें मैं थोड़ी सी डार्क फाउंडेशन ऐड करके लगाती हूँ। तो इस वीडियो से आपको ये तो क्लियर हो रहा होगा, किसी के पास भी अपने शेड की फाउंडेशन ज्यादातर नहीं होती है, सबके पास अलग अलग कलर की फाउंडेशन होती है। हम मिक्स एंड मैच करके फाउंडेशन को यूज करते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाउंडेशन को मिक्स एंड मैच करके यूज करते हैं। तो आप कभी बैड फील मत कीजिए, मेरे से अपने शेड की फाउंडेशन कभी चूज ही नहीं होती है, मेरे पास है ही नहीं। आपके पास सोल्यूशन है, आप दो चीजों को मिक्स करके लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसिस्टेंसी का ध्यान रखिए, वो सेम होनी चाहिए। बाकी मेरे पास भी देख लो, कोई भी मेरे शेड की फाउंडेशन सिर्फ एक आधी है, बाकी सभी अलग ही शेड है, उनको मैं मिक्स एंड मैच करके ही यूज करती हूँ। ये जो एलेगल का शेड है, ये थोड़ा सा लाइट है मेरे स्किन टोन से। यस, आपको क्लियरली एविडेंट है, ये थोड़ा सा लाइट है। ये जब मैं डायरेक्टली लगा लेती हूँ तो बहुत वाइट वाइट लगता है मेरा फेस, तो मैं इसको ऐसे डायरेक्टली कभी नहीं लगाती हूँ, इसको मिक्स एंड मैच करके ही मैं यूज करती हूँ। अब मैं एक फाउंडेशन की बात करूंगी, बहुत अफोर्डेबल है ये ब्रांड भी, बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ें दे रहा है, बट ये ब्रांड अब इतना ज़्यादा आपको वैरायटी दे रहा है, हर प्रोडक्ट है इस ब्रांड के पास। और इसकी जो ये फाउंडेशन है, मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ, दैट इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं स्विस ब्यूटी की फाउंडेशन अच्छी है कि नहीं अच्छी है, उसके ऑनेस्ट रिव्यू दो, तो ऑनेस्ट रिव्यू है, दिस फाउंडेशन इज टू गुड, 9 out of 10 दूंगी मैं इस फाउंडेशन को। ये मेरा परफेक्ट शेड है, दिस फाउंडेशन इज वॉर्म न्यूड, 04 वॉर्म न्यूड है इस फाउंडेशन का शेड, ये मेरा परफेक्ट शेड है। अगर आपका स्किन टोन मेरे जैसा है और आपको स्विस ब्यूटी की फाउंडेशन लेनी है, तो आप वॉर्म न्यूड शेड ले सकते हैं। इसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सेम मेरा शेड है, ये बिल्कुल फर्स्ट के जैसे है, दिस इज माई परफेक्ट शेड। अगर आपको किसी को भी मेरे शेड की फाउंडेशन लेनी है, आपका स्किन टोन मेरे से मैच कर रहा है, स्विस ब्यूटी की फाउंडेशन ले रही है, ये वाली फाउंडेशन इसका है फुल स्विस ब्यूटी स्टूडियो फिनिश फुल कवरेज फाउंडेशन, पूरा नाम है इसका, और वॉर्म न्यूड शेड लेना है आपने, तो ये फाउंडेशन आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करेगी। इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, अफोर्डेबल है, फुल कवरेज है, लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है, स्टे आपको देखना, स्टे और इसकी लॉन्जिविटी में, इसकी स्टे में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छी स्टे दे रहा है। और मेरा परफेक्ट शेड भी है वॉर्म न्यूड। सो ये 5 मेरी करंट फेवरेट फाउंडेशन हैं। अगर आपको नेशनल ब्रांड्स में से बेस्ट 5 फाउंडेशन पिक करनी है, बेस्ट 2 फाउंडेशन पिक करनी है, इनमें से आप कोई भी 2 पिक कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और आप मेरी वीडियो पे नीचे आके कमेंट जरूर करेंगे, मैम आज ये फाउंडेशन यूज की थी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो मस्ट ट्राई दीज 5 फाउंडेशंस, इनके शेड्स भी मैंने आपको साथ में बताए हैं, बहुत अच्छी फाउंडेशंस हैं, स्टे बहुत अच्छी है, फुल कवरेज है, फाउंडेशन ग्रे भी नहीं होगी। बस आपने ध्यान रखना है कि इनके मंथ्स चेक कर लीजिए। सो मस्ट शेयर दिस वीडियो, अगर कोई भी फाउंडेशन लेना चाहता है, नेशनल फाउंडेशन लेना चाहता है, इस वीडियो को देखकर आप फाउंडेशन जरूर ले सकते हैं, देख सकते हैं किस फाउंडेशन के कैसे रिव्यूज हैं, तो आप इन फाउंडेशन पर जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मस्ट शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट टाइम आई विल कम अप विद एनी अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।